थाप सुनते वक्त कोई आंखें बंद कर ले तो शायद ही जान पाएगा कि ये थाप नन्नी नन्नी उंगलियों की है। जब ये छोटे उस्ताद तबला बजाते हैं तो सुनने वाले चौंक जाते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि छोटे उस्ताद की उम्र महज 4 साल है। छोटे उस्ताद को तबला बजाते हुए 2 साल हो चुके हैं, यानी सिर्फ 2 साल की उम्र में इनकी उंगलियां तबले और ढोलक पर थिरकती हैं। घर में लोगों के साथ ये तबला बजाते हैं और बाहर भी कई कार्यक्रमों में ये संगत करते नजर आते हैं। अपनी कला से ये अपने घर में ही नहीं पूरे गांव के दुलारे बन चुकी हैं। इन्हें घर घर में लोग पहचानने लगे हैं, अपना परिचय ये पूरी शान से देते हैं। क्या पापा, क्या नाम है? रुद्रांश अब पहचान के मोहताज नहीं है। गाजीपुर के बहुआरी गांव से निकलकर ये 2 साल पहले ही सोशल मीडिया पर छा चुके हैं। ये 2 साल की अवस्था में था, इसका सबसे पहले मैंने डाला था तो उसमें इसको करीब 7,29,000 के आसपास का इसको व्यूअर्स मिले थे। रुद्रांश जब तबला नहीं बजा रहा होता तो चेहरे पर शरारत होती है, ये बाकी बच्चों की तरह मस्ती करता है। लेकिन जब तबला या ढोलक बजा रहा होता है तो चेहरे पर गंभीरता दिखती है। संगीत की इस विद्या को रुद्रांश हल्के में नहीं लेता, शायद इसलिए बाकी लोग भी इसे छोटा बच्चा नहीं मानते। हारमोनियम बजाता हूँ और मेरे साथ ढोला बजाता है, लेकिन जब वो ढोला बजाता है तो मेरा हाथ कांपने लगता है लेकिन उसका हाथ नहीं कांपता है, और मैं रुक जाता हूँ लेकिन वो मुझे भी रुकने में मजबूर कर देता है। इतनी छोटी उम्र में तबले और ढोलक बजाने में माहिर रुद्रांश ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन इसकी काबिलियत देखकर लोग रुद्रांश को आज का अभिमन्यु मानने लगे हैं और परिजन कहते हैं कि ये खूब आगे बढ़े। प्रयास भी कर रहे हैं कि अच्छी जगह जाए, अच्छी शिक्षा मिले। अभी तो जो बजाता है वो गॉड गिफ्टेड बजाता है, अभी कहीं से कोई शिक्षा इसको नहीं मिली है संगीत से। मुझे समझता है कि जिस तरह से पौराणिक मान्यता है कि अब मनु ने गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीखी थी तो इस बच्चे पे भी लागू होता है। बच्चा जब गर्भ में आया होगा तो यहाँ का परिवार का जो वातावरण है वो संगीतमय होता है, तमाम वाद्य यंत्रों का यहाँ पे वादन होता है, कार्यक्रम होते रहते हैं, भजन कीर्तन होता रहता है, इस परिवेश का असर पड़ा। रुद्रांश के परिवार में लोग संगीत में रुचि रखते हैं। बचपन से ही रुद्रांश ने अपने परिवार में संगीत और गायन का माहौल देखा है, शायद इसलिए वो बेझिझक तबला और ढोलक बजा लेता है चाहे मौका कोई भी हो। इसकी काबिलियत की बदौलत इस छोटे उस्ताद ने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। अनिल कुमार, जी मीडिया, गाजीपुर।